दोस्तों, जहाँ तक अमरनाथ की बात है तो इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। वहीं यहाँ हर साल बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक शिवलिंग अपने भक्तों का मन मोह लेता है। वैसे तो कई सालों से आतंकवादी इस यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साल 2018 में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद लोकल लोगों के भारी विरोध के चलते इसे रोकना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जब यात्रा फिर से शुरू हुई तो भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हिंदुओं की आस्था वाले इस तीर्थ धाम के क्या मायने हैं। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ अमरनाथ जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस गुफा में बूंद बूंद करके पवित्र जल टपकता रहता है जो शिवलिंग का आकार ले लेता है। लेकिन ऐसा पूरे देश में आपको इस जगह के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। वहीं ये यात्रा हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर श्रवण पूर्णिमा तक चलती है। पिछले 2 साल कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया था, लेकिन इस बार इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है जो 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा की सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिजर्व फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुल 35,000 से ज्यादा जवानों को यात्रियों की सुरक्षा में शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इस पूरी यात्रा के दौरान भक्तों का सुरक्षा कवच बनेंगे। पौराणिक इतिहास। अगर शास्त्रों की माने तो अमरनाथ की इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था, लेकिन कहा जाता है कि इस रहस्य को वहाँ मौजूद 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अमर हो गए और कई लोग आज भी उन्हें इस गुफा में देखने का दावा करते हैं। वहीं भगवान शिव जब इस गुफा में माता पार्वती के साथ जा रहे थे तब उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई भी इंसान या जीव उनकी इस कथा को ना सुन पाए, जिसके लिए उन्होंने अपने गले में लिपटे नाग को जहाँ छोड़ा उसे अनंत नाग के नाम से जाना जाता है। वहीं माथे के चंदन को जहाँ छोड़ा उसे चंदनवाड़ी, जहाँ पिस्सुओं को छोड़ा उसे पिस्सू टॉप और जहाँ बचे हुए शेष नागों को छोड़ा उसे शेषनाग के नाम से जाना जाता है। आप जब भी अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे तो ये सभी जगह आपको देखने के लिए यात्रा के बीच में ही नजर आएंगी। अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई एक और कहानी है जो लगभग 700 साल पुरानी बताई जाती है। इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। एक मुस्लिम गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए पहाड़ों पर काफी ऊपर की तरफ निकल गया। उस गडरिये का नाम बूटा मलिक था, जो अपनी अच्छी आदत के लिए काफी मशहूर था। भेड़ों को चराते चराते उसे एक साधु दिखाई दिया, जिसने उसे गडरिया को एक कोयले से भरी कांगड़ी भेंट की। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कांगड़ी देखने में कुछ गर्म अंगीठी जैसी होती है, जिसमें कोयले डालकर आग जलाई जाती है। कश्मीर में ज्यादा सर्द मौसम होने की वजह से अक्सर इसे वहाँ के लोकल लोग साथ लेकर चलते हैं। बात करें उस बूटा नाम के गडरिये की, तो जब वो अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि वो कांगड़ी तो कोयले की जगह सोने से भरी हुई है। अब वो गरीब गडरिया ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो अपनी खुशी को काबू में नहीं कर पाया और तुरंत उस साधु को ढूंढने के लिए और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो वहाँ पहुँच गया। उसके लाख ढूंढने के बाद भी वो साधु तो उसे नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी, जिसकी जानकारी उसने नीचे आकर लोगों को दी। आपको बता दें कि इसे आज हम सब अमरनाथ की गुफा, पवित्र गुफा के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस यात्रा को करना काफी कठिन माना जाता है और जीवन में एक बार लोग इस जगह पहुंचकर ही खुद को धन्य मानते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ की इस पवित्र गुफा तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक फिक्स डेट को ओपन कर दिया जाता है। खास बात ये है कि जिसमें किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो भक्त जितनी जल्दी इस यात्रा के लिए सारे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं वो उतनी ही जल्दी यात्रा पर जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक में किए जाएंगे। यहाँ अप्लाई करने के लिए अमरनाथ जाने वाले भक्तों को इसके लिए अपना आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सरकारी अस्पताल से बनाया गया हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। वहीं इसके लिए बतौर रजिस्ट्रेशन हर यात्री से 100 रुपए की फीस के तौर पर लिए जाते हैं। इसके बाद आपको अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से तारीख और समय मिल जाता है। इसकी डिटेल्स बैंक से मिलने वाली स्लिप पर भी लिखी होती है। वैसे आप चाहें तो
jksasb.nic.in पर लॉगिन करके भी इससे जुड़ी सारी जानकारी अपने फोन या लैपटॉप पर ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक श्रद्धालु को सिर्फ एक ही परमिट दिया जाता है और अगर कोई महिला 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती है तो वो इस यात्रा पर नहीं जा सकती। वहीं 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 75 साल से ज्यादा के बुजुर्ग को भी इस यात्रा पर जाने के लिए परमिट नहीं मिलता है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर तक जाने के लिए 3 मीडियम है। रोड, भारत के किसी भी राज्य से आप सड़क के रास्ते बस या कार से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। वैसे आपको जम्मू के हर बड़े शहर से भी श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस मिल सकती है, यानी रोड के रास्ते आप ये यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ट्रेन फैसिलिटी, आपको बता दें कि श्रीनगर तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, बल्कि श्रीनगर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर या जम्मू तवी है। इन दोनों स्टेशन पर उतर कर आप बस या टैक्सी से श्रीनगर तक जा सकते हैं। एयर फैसिलिटी, आप चाहें तो प्लेन से भी श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं, जो आपके समय और यहां तक पहुंचने वाली मेहनत दोनों को काफी हद तक कम कर देगा। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे कई बड़े शहरों से श्रीनगर तक डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। वहीं अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो पहली बार केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सेवा श्रीनगर से पंजतरणी तक उपलब्ध है और यहां तक पहुंचने के बाद 6 किलोमीटर तक का रास्ता ट्रैक करके श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। वहीं पहलगाम के साथ साथ बालटाल से भी पवित्र गुफा तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाएगी। आपको टिकट बुक करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा। इन टिकट की कीमत 1445 रुपए से लेकर 4710 रुपए के बीच में है। सबसे पहले बालटाल, पंजतरणी। बालटाल के किराए की बात करें तो ये 2890 रुपए है। वहीं बालटाल पंजतरणी का किराया 1445 रुपए है। पहलगाम से पंजतरणी और फिर अगर उसी दिन आप वापस आते हैं तो आपको 4710 रुपए देने होंगे, जबकि सिर्फ एक तरफ की यात्रा करने पर आपको 2355 रुपए देने होंगे। अमरनाथ यात्रा पर रहा है आतंकी घटनाओं का साया। अमरनाथ यात्रा पर पिछले 4 साल या उससे ज्यादा दशकों से कई आतंकी संगठन हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कई बार सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। बता दें कि साल 1991 से लेकर 1995 तक आतंकी धमकियों के चलते इस यात्रा को रोक दिया गया था। वहीं साल 2000 में अलगाववादियों ने यात्रा करने वाले लोगों पर धुआंधार गोलीबारी की थी, जिसकी वजह से इस दुखद हादसे में 32 लोग मारे गए थे। इसके बाद एक बार फिर 20 जुलाई 2001 को आतंकियों ने अमरनाथ जाने वाले रास्ते के बीच में शेषनाग नाम की जगह पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसकी वजह से 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 2016 में मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान वानी को सेना ने मार गिराया था, जिसकी वजह से इस यात्रा को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2019 के जुलाई महीने में एक बार फिर से इस यात्रा को रोका गया, जब केंद्र सरकार ने अचानक अमरनाथ यात्रा को रोकने का ऐलान कर दिया था। और इसके कुछ दिन बाद सरकार ने 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। तो दोस्तों, क्या इस साल आतंकी धमकियों और कोविड के बीच अमरनाथ यात्रा अपने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।